आज मेरी पोस्टिंग है 4 to 8 और अभी फ़िलहाल 4:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ पंखे के सामने क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है मुझे इस पीपी में। यहाँ CCU में थोड़ा सा गर्मी थी तो मैं यहाँ बैठ गई हूँ और थक भी गई हूँ, थोड़ा सा काम किया था तो बस अभी रेस्टिंग टाइम है। फिर अगर कोई सर या मैम कोई काम देते हैं तो मैं वहाँ जाऊँगी, इतने मैंने सोचा कि व्लॉग बना लिया जाए। वाई टू वेस्ट टाइम। ये थोड़ा डिस्कम्फर्ट कर रहा है, थोड़ा फेस शील्ड थोड़ा टाइट होता है पीछे से जैसे बांधते हैं तो कभी कभी हेड मतलब सर में दर्द हो जाता है, हेडेक हो जाता है। सो गाइज बट आई एम लविंग दिस पोस्टिंग्स, आई लव इट। सो गाइज ये है वेंटिलेटर, ये ऐसे मूव करता है और यहाँ से ऐसे लॉक कर देते हैं इसको। सो दिस इज़ द स्क्रीन और ये इसका हम मॉनिटर करने के लिए है और ये मैनुअल्स हैं यहाँ पे, बटन्स वगैरह यू कैन सी यहाँ पे, पावर ऑन का वगैरह वगैरह सब है यहाँ पे। ये आउटलेट्स हैं, पेशेंट आउटलेट, ऑक्सीजन आउटलेट और वहाँ पीछे से ऑक्सीजन कनेक्ट करते हैं और वो पावर ऑफ का बटन है। सो दिस इज़ हाउ वेंटिलेटर लुक लाइक्स। सो गाइज हम लोगों की पोस्टिंग ख़त्म हो चुकी है अब और मैं आई हूँ यहाँ पे डॉफ करने के लिए। मैं थोड़ा थक गई हूँ और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। सो और बाहर का मौसम देख रहे हो आप लोग कितना अच्छा हो रहा है। बट फिलहाल हमें डॉफ करना है और उसके लिए मुझे सबसे पहले ये हैंड रब लेना पड़ेगा जिससे हम अपने हैंड को सैनिटाइज करेंगे। पहले फ़ोन रख दूँ, ये अभी फ़िलहाल मेरा फ़ोन यार प्लास्टिक रैप में कवर्ड है। इसके बाद जब मैं हैंड रब कर लूँगी उसके बाद इसको हटाऊँगी ताकि आप मेरे को क्लियरली देख पाओ। और ये मेरे हैंड वॉशिंग के स्टेप्स हैं, आप लोग भी सीख लो इसको करना, ये बहुत अच्छी हैंड वॉशिंग है। हाय गाइस, नाउ आई एम गोइंग टू डॉफ एवरीथिंग, ग्लव्स एंड एल्स। नाउ सबसे पहले ग्लव्स उतारते हैं फिर डिस्कार्ड करने जा रही हूँ मैं। उसके बाद हम लोग को ये फेस शील्ड उतारना है। हाय, सो हैंड वॉश हैंड रब करना बहुत ज़रूरी है हर स्टेप के बाद में, जब भी आप कुछ रिमूव कर रहे हैं। और इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करना मैंडेटरी होता है। Now this PPE kit we have to remove और हमें सिर्फ इनसाइड वाला पोर्शन ही टच करना है अपनी बॉडी के और जो आउटर पोर्शन है उसको बिल्कुल टच नहीं करना है, उसको रोल्ड करके रिमूव कर देना है। सो हेयर इज आर रोल्ड PPE, अब इसे डिस्कार्ड करना है। नाउ अगेन हैंड रब। सो ये हम लोगों के कुछ स्टेप्स हैं हैंड रब के और ये करना बहुत ज़रूरी है, हर स्टेप के बाद करना होता है हम लोगों को, ये हम लोगों को ही सेफ़ रखता है यार। नाउ दिस हेड कैप, द शू कवर, अब जो हम लोगों को पीपी के साथ मिलते हैं वो आउटर शू कवर और इसके बाद मैंने एक और शू कवर पहने हुए हैं यू कैन सी। और इन शू कवर को मैं यहाँ से बाहर जाने के बाद डिस्कार्ड करूँगी। नाउ दिस ग्लव्स, इसके बाद गाइस मैं क्या करूँगी, इसके बाद हम लोगों को करना है ये मास्क डिस्कार्ड, इसको फेंक देंगे। ये मास्क था जो मैंने ऑलरेडी लेके रखा हुआ था वो हम पहन लेंगे, थोड़ा मेरे लिए फोटो भी तो होना चाहिए एक आधा। चलो सो गाइज मैं CCU से बाहर आ चुकी हूँ और जा रही हूँ चेंजिंग रूम में। सो
मैं यहाँ चेंजिंग रूम में आ चुकी हूँ। वैसे यहाँ कोई नहीं है सो आई कैन व्लॉग इजीली। और सबसे बड़ी दिक्कत है कैमरा, कैमरा कहाँ लगाया जाए। मैं तो दिख ही नहीं रही हूँ आप लोगों को, इससे पहले मैं हैंड वॉश करके आती हूँ, आप लोग ये नहीं रुको। ओके ओके सो गाइस हैंड वॉश हो चुके हैं, मैंने अपना फेस भी वॉश कर लिया है। और इधर मैं व्लॉग पता है कैसे करूँ, आई विल शो यू। इधर ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, इसके ऊपर यहाँ पर रख के अपना फ़ोन मैं व्लॉग कर रही हूँ। बट गाइज बिफोर मूविंग फर्दर आई वुड लाइक टू थैंक अन अकेडमी फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। सो गाइज क्रैक अन अकेडमी प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट एंड विन प्राइज वर्थ ₹11 करोड़। ये 14th और 15th ऑफ अगस्त को होगा, ये IIT और NEET स्टूडेंट्स के लिए है। सो गाइज आई नो iPad तो सबको ही पसंद है, तो यहाँ पर डेली प्रैक्टिस टेस्ट में डेली 1 लकी विनर को मिलेगा iPad 12th ऑफ जुलाई से एवरी डे। सो गाइज कमिंग टू ऑल स्टार बैच क्रैश कोर्स फॉर NEET 21, इसके अंदर वीकली टेस्ट सीरीज़ हैं और ये 23rd जून से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सो गाइज इस बैच के बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं, जिसकी वजह से ऐसे और सारे क्रैश कोर्स बैच आने वाले हैं। सो गाइज NEET बहुत ज़्यादा पास है और इसी के लिए लिमिटेड टाइम ऑफर भी है सब्सक्रिप्शन पे। 2 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है वो सिर्फ 9000 में अब आपको मिलेगा। और इसके अलावा भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज़ करें SIMRANG। सो गाइज ग्रैब दिस ऑफर बिकॉज दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर NEET 21 एस्पिरेंट्स। अन अकेडमी लोन भी प्रोवाइड करता है, तो इसके लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। नाउ कमिंग टू अन अकेडमीज कॉम्बैट विच इज़ इंडियाज बिगेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर NEET UG एस्पिरेंट्स। इसके अंदर आप 4 करोड़ रुपीज़ की स्कॉलरशिप जीत सकते हैं और NEET के लिए 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन भी। ये हर संडे को 11 बजे होता है, सो यूज़ माई कोड टू अनलॉक दिस टेस्ट SIMRANG। अभी मैं जाऊँगी कैंटीन, वहाँ से मैं पता नहीं क्या पीऊँगी, पीऊँगी क्या, मुझे कुछ खाना है। मैं सॉल्टेड वाले लेज मुझे बहुत पसंद है, तो मैं वो खाऊँगी। और ये ट्रॉमा बिल्डिंग है एक्चुअली जहाँ पर मैं मेरी पोस्टिंग है अभी, और आप देख सकते हो 8 बजे भी यहाँ पे कितना ज़्यादा उजाला है, मतलब एकदम शाम हो रखी है फिर भी इतना उजाला है यहाँ पे। सो फिलहाल मैं बाहर आ गई हूँ और मेरे सामने है ये बिल्डिंग, दिस इज़ इमरजेंसी वाला गेट। और इधर जो है ये नेस्कैफे है, दिस इज नेस्कैफे। हियर इज माय चिप्स, यस आई लव इट। देखो इधर ही बैठी थी मैं उस दिन जब मैं वीडियो अपलोड करने आई थी ना। और इधर एनाटॉमी का डिसेक्शन हॉल है। आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और आप लोग देख सकते हो कि बाहर एकदम से जैसे उजाला था, रात हो गई है। अब हॉस्टल जाके डायरेक्ट नहाना पड़ेगा, उसमें और थक जाओगे, फिर खाना खाना है, उसके बाद असाइनमेंट बनाना है या फिर पढ़ूंगी मैं कुछ, थक जाऊंगी यार। एनर्जी तो चाहिए ना, तो ये है मेरा एनर्जी पार्टनर। दो आई नो कि मैं मोटी हो रही हूँ, बट यार कभी कभी तो चलता है ना, है ना, तो बस ये वही कभी कभी का प्लान है मेरा। एक तो यार ये कोविड है जो कि ख़त्म होके नहीं दे रहा है, ये ख़त्म हो जाए तो हम घूम लें कहीं, मस्ती कर लें सारे फ्रेंड्स आपस में, घर चले जाएं, कुछ तो करें। लेकिन नहीं, ये कोविड ना हमारे कॉलेज टाइम पे आना था हमारी ऐसी तैसी करने के लिए, देख ना हम पास आउट हो जाएंगे, ये भी चले जाना है इसको भी। खैर क्या कहना, अब कुछ कर तो सकते नहीं इस कोविड का। चलो हॉस्टल चलते हैं, मेरा हॉस्टल आ गया, आई टॉक टू यू लेटर। सो गाइस मेरे को लग रही थी बहुत ज़ोरों की भूख, एंड गेस दिस इज व्हाट, ये है मेरी फेवरेट वनीला आइसक्रीम जो थोड़ी सी मेल्ट हो गई है,
बट मैं खा सकती हूँ उसको, बटर स्कॉच थी पता है, मैं वहाँ वेट कर रही थी कब भी वनीला आएगी और मैं लेके आऊँगी, तो फाइनली ये आ गई और मैं इसको लेकर आ गई। मैं खाना भी लेकर आई हूँ, आज खाने में है दाल, ये हम तीन लोग हैं ना एक साथ खाते हैं, तो ये रोटी है, दाल है, तोरी की सब्जी है, और ये सैलेड में कुकुम्बर है, और बस। और अब मैं आइसक्रीम खाती हूँ पूरा बोल भर के एक साथ। खाओगे गाइस? मैं आपको चुड़ा चुड़ा के खाना नहीं चाह रही, बट मुझे बहुत अच्छी लगती है वनीला आइसक्रीम। सो गाइस, खाना तो नहीं खाया मैंने, खाना तो बाद में आके खाऊंगी, बट मैंने आइसक्रीम खा लिया। दीदी आपको आइसक्रीम खानी है? तो लेकर आनी पड़ेगी। चावल तुम खाओगे? मैं चावल खा लूंगा, बिल्कुल थोड़ा सा, 2-3 चम्मच। मैं भी खाऊंगी चावल, इसलिए ओके। खाना तो लिया है ना, बट खाना तुम थोड़ा सा चावल ले आना एक प्लेट में ना, और आइसक्रीम है ना, बस चावल लानी है। हाँ मुझे लगता है शायद कम पड़ सकते हैं ना हम दोनों के लिए। हाय गाइस, मॉर्निंग। तो कल व्लॉग तो मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे नींद आ गई थी, सो आज मैं उठी हूँ, और मुझे उठते के साथ ही देखो मुझे किसने उठाया, ये है मेरा ऑर्डर, एक नहीं बहुत सारे ऑर्डर हैं। यू कैन सी उधर चेयर रखी है, उधर भी एक पार्सल रखा हुआ है, एक यहाँ पर है, 2-3 मेरी अलमीरा में पड़े हुए हैं। सो यस, मैं एक हॉल वीडियो करने वाली हूँ जिसके अंदर मैं अजियो की सारी शॉपिंग, मैंने 3 जीन्स ऑर्डर की है वहाँ से, 2 टी शर्ट ऑर्डर की हैं, एक वॉच ऑर्डर की है, एक टॉप था, ये दूसरा टॉप है। सो यस, बहुत मज़ा आने वाला है, सो कीप वॉचिंग माई व्लॉग। सो गाइज, आई ऑर्डर्ड दिस बेड टेबल, स्टडी टेबल, क्योंकि मेरी बैक में या सर्वाइकल में बहुत पेन होता है जैसे झुक के लिखती हूँ, तो मैंने ये लिया है अभी। चलो इसको अनबॉक्स करते हैं। आई एम सो एक्साइटेड। हाय गाइस, सो आई हैव सीजर इन माई हैंड, ये हम लोग के पॉकेट आर्टिकल में मिली थी जो हम क्लिनिकल्स के टाइम पे यूज़ करते हैं। आई लव दिस सीजर क्योंकि ये बहुत शार्प है। चलो अब हम अपनी टेबल को अनबॉक्स करते हैं। पहले मास्क उतार लूँ, काफ़ी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर। तो दिस इज सो हैवी। वाओ, आई लव दिस टेबल, इसका कलर भी बहुत प्यारा है। सो ये है मेरी स्टडी टेबल जो मैंने ऑर्डर की थी, और ये आ गई है। आई जस्ट लव दिस। मैं इसको खोल देती हूँ। बिल्कुल यहाँ से फाट, काफ़ी अच्छा है यार, इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा है, आई लाइक दिस। ये बैक साइड से दिखता है, ये फ्रंट साइड है इसकी। सो दिस इज माई टेबल। इट्स गुड, अच्छा है यार। सो मेरे को पर्सनली बहुत पसंद आई, ये मैंने 530 की खरीदी थी, और यस आई लाइक इट, आई लाइक दिस टेबल। तो चलो अब हम चलते हैं, बाय बाय।